Hello, my dear students and friends, welcome back. So, last video actually I recorded for in present indefinite tense. And now this time I am going to make that video where I am going to let you know how we use interrogative words. In present indefinite tense. तो जैसे मैंने पहला टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट आपको बताया था, वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरोगेटिव वर्ड्स जो जिनसे हम प्रश्नवाचक एक वाक्य बनाते हैं, जैसे यूज करते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हूज, हु, तो ये हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, क्या हमें ध्यान रखना है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दैट इन दैट वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जैसे मैंने ग्रुप बनाए यहाँ पे, आप देख रहे हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, ये मैंने ग्रुप एक अलग रखे हैं. और ये जो नेक्स्ट है हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हूज, ये मैंने एक अलग ग्रुप में रखे हैं, और हु रखा है मैंने अलग ग्रुप में. तो ये सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं. What का मतलब था क्या, जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो. अब यहां पे एक बात याद रखें आप कि what में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. जैसे मैंने कहा क्या आप खाना खा रहे हो, अब वो सोचते हैं what लगेगा इसमें कि नहीं, यूज करें कि नहीं. हमेशा ध्यान रखो इंटरोगेटिव वर्ड्स, हमेशा या व्हाट के बारे में हम कह रहे हैं तो ये हमेशा बीच में आएगा. अगर इससे ही शुरू रख क्या, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब को यूज करके इंटरोगेटिव बनेगा. जैसे क्या आप खा रहे हैं, या क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू प्ले क्रिकेट हुआ. आप क्या खेलते हैं, तो क्या बीच में आ रहा है आपके बाद, आप क्या खेलते हैं, तो व्हाट डू यू प्ले, ये आए. ठीक है, तो व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहां, हाउ माने कैसे, कैसा, कैसी, हुम किसको, किससे, किसे. तो अब हम इनको पहले यूज करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं. ये सारे जो इंटरोगेटिव वर्ड्स इस ग्रुप में, इनको यूज करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है. हाउ वी यूज देम, ऐसे मैंने आपको बताया आप क्या खेलते हैं, तो इंटरोगेटिव वर्ड्स बनाना मैं आपको बता चुका हूं. बस उसके पहले आपको व्हाट लिखना है, पूरा इंटरोगेटिव वर्ड्स, डू यू प्ले, तो व्हाट डू यू प्ले. लेकिन अगर इसमें हो आप कौन सा खेल खेलते हो, तो व्हाट गेम वो भी ले सकते हो, या फिर हम इस कैटेगरी में आएंगे ये विच वाले, तो वो मैं अभी बताऊंगा. ठीक है, अब हमने कहा व्हेन, तो व्हाट डू यू प्ले हो गया, क्या खेलते हो. व्हेन आप खेलने कब जाते हो, या वह अंग्रेजी कब पढ़ता है ना, तो व्हेन. उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, When does he study English? ये हम ने यूज कर लिया. अब हम why पे आ जाए, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हम बना सकते हैं, या सिंपल इंटरोगेटिव. तो why,
तो आप सुबह एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, है ना? तो व्हाई, अब वो इंटरोगेटिव बना दें इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो व्हाई डोंट यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस बन गया। वेयर, वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? हाउ? तो कैसे आप यह काम कैसे कर लेते हो? तो हाउ डू यू, या आप अपने ऑफिस को कैसे नियंत्रित कर लेते हो? तो हाउ डू यू कंट्रोल योर ऑफिस? अब हुई, तो आप किससे प्रेम करते हो? मैंने यू लेकर बनाया, आप कुछ भी लेके बना सकते हैं सर। होम टू यू लव? आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई कंट्री, आई लव माई वर्क, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, ये थोड़े अलग तरीके से बनेंगे। हाउ मच, हाउ मैनी, वे चूज। तो इसमें क्या, एक नाउन साथ में होता है हमेशा। जैसे अगर मैंने बोला कि आपको हर महीने कितना पेट्रोल लग जाता है आपकी कार के लिए या आपकी बाइक के लिए, तो हम बोल सकते हैं हाउ मच। तब इसमें देखो, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा इसके साथ नाउ। हाउ मच डू यू नी, हाउ मच पेट्रोल डू यू यूज फॉर योर कार एवरी मंथ? ये बन गया, हाउ मच पेट्रोल डू यू यूज फॉर योर कार एवरी मंथ। हाउ मैनी, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, कितना, कितनी, कितने। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, ये भी कह सकते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव? अब बीच, तो अभी जैसे हमने वहां पे यूज किया था कि आप कौन सा खेल खेलते हो, तो यहाँ पे हम उसे यूज कर सकते हैं। विच गेम डू यू प्ले? हुज कार इज दिस? यह कार किसकी? तो आपने देखा इन चारों इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद हमने कोई नाउन यूज किया है, उसके बिना नहीं नहीं बनेगा ये, ठीक है? अब आ जाते हैं हम हु, जो अलग है। तो हु में जब इंटरोगेटिव हम बनाते हैं तो उसमें हम डू डज नहीं यूज करेंगे जब तक कि वो नेगेटिव ना हो। तो हु के बाद डायरेक्ट वर्ब को हम लगा देते हैं। जैसे हमने कहा आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु, अब डायरेक्ट वर्ब आ गया यहाँ, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसमें डू डज नहीं लगेगा, ये ध्यान रखने की बात। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको कौन पढ़ाता है? तो ये भी सिंगुलर है, पढ़ाता है, इसलिए मैंने टीचेज वर्ब में एस लगा दिया। अगर होता क्रिकेट कौन खेलते हैं, तो हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलते हैं, ये हो जाता। लेकिन अगर नेगेटिव होगा इसमें तो डू डज का यूज करना पड़ता है। जैसे क्रिकेट कौन नहीं खेलता है, तो सिंगुलर है,
हु डजंट प्ले क्रिकेट, हु डजंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन नहीं खेलता है, तरीके से बन गया। अब ये प्लूरल होता नेगेटिव, क्रिकेट कौन नहीं खेलते हैं, तो हू तो इस तरीके से। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स अलग अलग ग्रुप में कैसे यूज होते हैं, इनको आप बार बार देख के समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग और आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं झूठ आपसे नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हो, मास्टरी करना चाहते हो, या आप उसको बहुत अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना, एक कमांड आपकी करना चाहते हो इंग्लिश में वाकई में, और आप ये सोचते हो कि केवल मैं वीडियोस देखता रहूं या नेट पे पढ़ता रहूं, तो आप सीख तो सकते हो बट इट मे टेक टाइम और यू हैव नो ऑप्शन विद यू टू आस्क योर क्वेरीज, कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ नहीं सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन को आपको कोई एक्सप्लेन कर पाए तो वो तो टीचर ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सीख सकते हो, पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस, वीडियोस तो जस्ट एक रेफरेंस होता है कि ये चीज ये होती है, बाकी डिटेल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें भी, जो वन टू वन क्लासेस लेने पे ही समझ में आती है। लेकिन अगर आपको लगता है आप ऐसे ही करना चाहते कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू थिंक यू रियली वॉन्ट टू हैव कमांड ऑन दैट लैंग्वेज इन स्पीकिंग इन राइटिंग यू शुड हैव क्लासेस विद अ टीचर। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ क्लासेस लेना, मुझसे बात करना क्लासेस लेने से पहले, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय ईमेल आईडी एंड स्काइप आईडी हियर इन दैट वीडियो एंड ब्लू दैट वीडियो, तो आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो क्लासेस मेरी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मिलते हैं मुझे स्टूडेंट्स और मैं उनको पढ़ाता हूँ, मेरे लाइव रिकॉर्ड्स आप लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस की देख सकते हो मेरे चैनल पे। अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, वेस्ट इंडीज, जापान, कोरिया, चाइना, फ्रांस, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो आई कैन कस्टमाइज अ कोर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट और नीड, उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स बना देता हूँ, फिर हम उसको शुरू कर देते हैं। 100% रिजल्ट्स आते हैं अगर आप मेरे साथ जैसे मैं बोलता हूँ वैसे अगर आप फॉलो करते जाते हैं, तो विद इन 30 लेसन्स यू कैन हैव वेरी गुड कमांड। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा, आप चाहें तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिए, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।